हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मींस अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज जीनोगैमी, एलोगैमी, जीटनोगैमी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओके, सो लेट स्टार्ट फर्स्ट विद द पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब होता है कि इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमिन, क्योंकि पॉलन ग्रेन एंथर से ही बनता है। याद करिए, आप लोगों ने शुरू की जो तीन वीडियोस हमारी इस चैप्टर की, वो आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है उसकी प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और उसे अच्छे तरीके से आप लोग कई बार उसे पढ़ भी लीजिए, तब उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑन अनदर प्लांट। देखिए, और क्यों पॉलिनेशन जरूरी है? क्या बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है? देखिए, ये बेटा मैंने स्ट्रक्चर किसका बना दिया, ये एंथर का स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा दी चार, और इसके अंदर क्या है ये बेटा? इसके अंदर जो है ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। ओके, मैच्योर हो चुके हैं, और इधर की तरफ ये है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये स्टेमिन का बनाया है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनाया। ओके, इसका मतलब यह कि मैंने यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनाया, ठीक है बेटा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो मैंने डॉट्स बनाया है, ये क्या है? ये फीमेल गैमेट यानी एग है। तो अब ये सवाल ये है कि आखिर ये जो पॉलन ग्रेन जो है वो आखिर कैसे एक प्लांट से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाता है? तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए से पॉलन ग्रेन जब एंथर रप्चर करेगी तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा, और फिर पॉलन ग्रेन यहां से कहां चला जाएगा? ये स्टिग्मा पे, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये बेटा स्टाइल है, और ये ओवरी है, ये स्टेमिन का या पिस्टल का, ये कार्पल है, ये कार्पल या पिस्टल के पार्ट्स हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो पॉलन ग्रेन जो जब एंथर यहां पर बर्स्ट करेगा या रप्चर करेगा, तो पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होगा, और ये बेटा पॉलन ग्रेन जो है वो कहां चला जाएगा? स्टिग्मा पर चला जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा पर चला जाएगा। और उसके बाद फिर फर्दर आगे हम लोग बात करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और जो मेल गैमीट यहां पर है वो कहां पर? फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा। देखिए, ऐसा होता है कि फ्लावरिंग प्लांट के केस में मेल गैमीट हो और चाहे फीमेल गैमीट हो, वो दोनों कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन मोटाइल। देखिए, मैंने दूसरी लाइन में बेटा ये बात लिख रखी है कि चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, वो दोनों ही नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, अब अगर वो नॉन मोटाइल है तो क्या होगा? तो क्योंकि नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकता है, अपने से मूव नहीं कर सकता है। अब अगर वो अपने से मूव नहीं कर सकता है, यानी कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग एजेंट होना चाहिए जो दोनों को आपस में मिलाए, मतलब दोनों को आपस में फर्टिलाइज कराए। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, ताकि उसके जरिए से फिर जायगोट, फिर सीड और फिर फ्रूट और फिर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सके, वो फर्टिलाइजेशन होता है। यानी मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मीट करता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये देखिए बेटा, तो यहां पर क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी हो जाती है या पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर यानी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के केस में, चाहे वो आप मेल गैमीट की बात करिए चाहे फीमेल गैमीट की, दोनों ही कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते। अब जब मूव नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई हेल्पिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों को आपस में फर्टिलाइज करा सके, ठीक है बेटा। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पॉलिनेशन उसके टाइप्स को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। हम पॉलिनेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पॉलिनेशन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारा ऑटोगैमी, या ऑटोगैमी को हम लोग प्योर सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। ये बेटा क्या होगा, ये ऑटोगैमी होगा। तो ऑटोगैमी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में जब ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बेटा अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। देखिए मान लीजिए, ये मैं एक प्लांट का कुछ एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि मैं आपको ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन यही समझा सकूं। ये एक फ्लावर है, ये एक अनदर फ्लावर है, ये एक अनदर फ्लावर। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये इसमें चार तरीके के फ्लावर हैं, ठीक है, चार तरीके। मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग एनिमल के केस में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा अर्थवाम का केस। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, व्हेन बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन वन बॉडी इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, है ना। बाइसेक्सुअल क्या होता है बेटा, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक फ्लावर में, अगर मैं अभी प्लांट के केस में बात कर रहा हूं, अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाया जाए तो वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। अब देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये मैं एम लिख दे रहा हूं, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी स्टेमन है, और ये जो है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी एफ से मैं लिख दे रहा हूं यानी कार्पेल, ठीक है। एम से लिखा हूं मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, भाई मैंने आपसे साफ कह दिया कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो अब आप ये फ्लावर देखिए, अब इस फ्लावर में बेटा मैंने एक ये एम लिख दिया, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब स्टेमन है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब कार्पेल है या पिस्टल है। अब विद इन अ सेम फ्लावर, विद इन अ सेम फ्लावर जब पॉलिनेशन होता है, अब यहां से फ्लावर यहां पर जाएगा, ठीक है, सॉरी अब यहां से पॉलन ग्रेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब फीमेल पार्ट पर पॉलन ग्रेन जाएगा, पॉलन ग्रेन जाएगा बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ये बना लीजिएगा जरूर से, जब एक ही फ्लावर में होता है तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, क्योंकि मैं प्लांट के केस में बात कर रहा हूं, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। जैसे अब ये मैंने दिखाया बेटा, ये फ्लावर क्या है, इसमें मैंने सिर्फ आपको मेल पार्ट दिखाया है, और मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस वाले, मान लीजिए इस वाले पार्ट पे क्या है, ये फीमेल पार्ट है, यानी इसमें सिर्फ कार्पेल या पिस्टल है, तो
तो ये फीमेल पार्ट होगा, ठीक है बेटा, ये मेल पार्ट होगा, तो ये भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है। एक ही प्लांट में मैं बात कर रहा हूं लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है। अब इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो जीटनोगैमी कहलाएगा, वो जीटनोगैमी कहलाएगा, ठीक है। विद इन अ फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, विद इन अ प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर बट अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होगा तो जीटनोगैमी होगा। अब मान लीजिए ये दूसरा, ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, मान लीजिए बेटा ये दूसरा प्लांट है लेकिन एक ही स्पीसीज का होना चाहिए तभी पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा, एक ही स्पीसीज का। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये भी सेब का पेड़ है, एप्पल का है, और ये भी एप्पल है, एक ही स्पीसीज में है। अब इसमें देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, मेल पार्ट है। अब अगर अगर मान लीजिए इस प्लांट के ये जो मेल फ्लावर है उसका पॉलिन ग्रेन, इसका पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पे आए, या एक पॉलिन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, उसे बेटा हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब जीटनोगैमी क्या होती है, जब एक ही प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग जीटनोगैमी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन होता है, डिफरेंट प्लांट में, तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। अब ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए तब आगे हम चले। Then what are the conditions for, what are the conditions for self pollination, what are the conditions for self pollination, कौन कौन सी condition होती है self pollination के लिए बेटा। पहली condition ये है कि देखो अभी मैंने आप flower बनाया था, देखिए self pollination का भी flower बनाया था, आप उस self pollination में flower में देखिए autogamy वाले केस में, उसमें मैंने बेटा आप लोगों को दिखाया था, autogamy वाले केस में आप देखिए मैंने दिखाया था कि एक ही फ्लावर में बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दोनों के आपस में काफी करीब है। तो पहली कंडीशन क्या है, बोथ एंथर एंड कार्पेल मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर, ये बेटा आपकी पहली कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि एंथर और कार्पिल आपस में बहुत करीब होना चाहिए, करीब होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑटोगैमी के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, ऑटोगैमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो एक टाइम पे होनी चाहिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन का रिलीज, पॉलन ग्रेन का रिलीज या पॉलन ग्रेन का मैच्यूरेशन एंड स्टिग्मा का, या अगर मैं ऐसे कहूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो मैच्यूरेशन है वो दोनों सेम टाइम होना चाहिए, एक ही वक्त में होना चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा।
अगर वो अलग अलग वक्त में हो रहा है, मान लीजिए ऐसे मैं समझाऊं, मान लीजिए समझने के लिए कि सुबह 9 बजे है ना, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर हो रहा है, समझने के लिए सुबह 9 बजे अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर हो रहा है या एंथर डेसेंस हो रहा है, पॉलीग्रेन रिलीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मान लीजिए शाम में 6 बजे मेच्योर हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, समझो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये मामला है कि वो शाम में पता चला कि 6 बजे मेच्योर हो रही है। और आपको मैंने जो सेकंड वीडियो है हमारी जिसमें वायबिलिटी या लाइफ स्पैन ऑफ पॉलीग्रेन है, आप उसको पढ़िए फिर से, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पॉलीग्रेन की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन जो है वो वैरी करता है, ठीक है बेटा, वो वैरी करता है 30 मिनट से 1 मंथ में। अब हुआ क्या कि ये तो सुबह के 9 बज रहे हैं, और मान लीजिए पॉलीग्रेन की जो लाइफ है वो मान लीजिए 3 घंटे की है, लाइफ स्पैन पॉलीग्रेन का मान लीजिए 3 घंटे का। अब बेटा जब पॉलीग्रेन यहां से यहां पर तो चला गया, अब पॉलीग्रेन 9 बजे यहां पहुंच गया, 9 बजे यहां से उड़ा और पहुंच गया थोड़ी देर में, लेकिन ये फीमेल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कब मैच्योर हो रही है? ये तो शाम के 6 बजे मैच्योर हो रही है, लेकिन ये तो 9 बजे मैच्योर हो गया था, यानी अगर 3 घंटे के अंदर ये एग से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। बोलो, अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। बोलो, समझ में आया? अरे भाई मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि मान के चलते हैं, मैं इस वर्ड का मतलब बताना चाह रहा हूं, आगे हम लोग होमोगैमी और डिकोगैमी में इस पे और डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन, ये सेल्फ या ऑटोगैमी के लिए जरूरी है कि दोनों सेल्फ जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही टाइम के आसपास मैच्योर हों। इसका क्या मतलब है, मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं, एग्जांपल देके, कि मान लीजिए सुबह 9 बजे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होता है, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉलीग्रेन या जो मेल रिप्रोडक्टिव, जो मेल गैमेटोफाइट है, उसकी लाइफ 3 घंटे की है, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 3 घंटे की है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो 6 बजे मैच्योर होती है। अब जब वो यहां से 9 बजे जाएगा तो आपको पता है कि कितने बजे तक, 12 बजे तक, 3 घंटे की इसकी लाइफ है, तो ये 12 ही बजे तक जिंदा रह सकता है। और जब वो खत्म हो जाएगा पॉलीग्रेन, उसके पॉलीग्रेन की डेथ हो जाएगी, उसके बाद जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होगा, तो क्या दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही मतलब है कि दोनों ही आपस में करीब भी होना चाहिए, देखो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है कि दोनों करीब होने चाहिए, क्योंकि अगर करीब नहीं होगा और बहुत दूर है तो पहले जब तक वो पहुंचे तब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी खत्म हो गई, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए दोनों ही जो है वो करीब होने चाहिए और मैच्योरिटी का टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है जो टाइप, नेक्स्ट है जीटनोगैमी, ठीक है, जीटनोगैमी। नेक्स्ट है बेटा जीटनोगैमी। तो जीटनोगैमी क्या होता है, जीटनोगैमी क्या होता है, पॉलीग्रेन का ट्रांसफर, पॉलीग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अभी मैंने डायग्राम से आप देखिए, प्लांट तो सेम होना चाहिए, प्लांट तो सेम होना चाहिए, लेकिन फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, और इसीलिए हम इसे जीटनोगैमी कहते हैं। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपको जो अभी डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने कहा कि ये मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है, यहां से यहां पॉलीग्रेन आ रहा है, इसी हमने जीटनोगैमी का। अब देखिए
जिम्नोगैमी को बहुत कुछ लोग कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और कुछ लोग कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो दोनों लोग इसकी जो जो दलील देते हैं जिस बेस पे ये बात कही जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, वो इंसेक्ट हो सकता है, वो एयर हो सकती है, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत से जो पॉलन ग्रेन है वो यहां से यहां मूव करता, इसीलिए इसे लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जो लोग इसे जिम्नोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है क्योंकि वो एक ही प्लांट से आ रहा है इसलिए वो जेनेटिकली क्या होता है सेम होता है, उसमें किसी भी तरह का जेनेटिकल डिफरेंस नहीं आता, जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आता, वो जेनेटिकली सेम होता है क्योंकि एक ही प्लांट से वो आ रहा है, इसीलिए उसे अब क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जिम्नोगैमी को जो लोग क्रॉस पॉलिनेशन में इंक्लूड करते हैं वो क्यों कहते हैं, फर्स्ट इज कि जिम्नोगैमी को फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेटेड कहा जाता है बिकॉज पॉलिनेटिंग एजेंट इज इन्वॉल्व टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन। ओके स्टूडेंट्स, टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन, ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जो लोग इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है। जिम्नोगैमी is genetically similar, that is why they are included in self pollination. Genetically similar kyun hota hai, because pollen grain came from the same plant. Okay students, जेनेटिकली सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो एक ही प्लांट से आ रहा है, उसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब थर्ड है इसमें अच्छा नेक्स्ट एक चीज बेटा मैं आपको ये बता दूं यहां पर कि एक चीज होती है मोनोइशियस, आप लोगों ने 11th में वैसे पढ़ रखा होगा ये सारी बातें, मोनोइशियस एंड डाइशियस। जब आप लोग प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने स्पेशली प्लांट किंगडम में आप लोगों ने मोनोइशियस और डाइशियस पढ़ा, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा बता दूं कि मोनोइशियस मतलब होता है when both the sex organ is present in the same plant that is called मोनोइशियस, ठीक है मोनोइशियस। When both the sex organ is present on the same plant, then that is called monoecious. असल में बेटा, mono मतलब होता है single. Ecious असल में home को कहते हैं. Ecious home कहते हैं. यानी single घर होता है, single home होता है both the sex organ के लिए. तो when both the sex organ is present on the same plant, then it is called monoecious. इसका example है castor, coconut and मेज। ओके मेज, अच्छा अब आप मुझसे पूछेंगे एक बात, ये आपके जहन में भी चल रहा होगा दिमाग में कि यहां पर आपने मोनोइशियस कर दिया है और अभी मैंने बायोसेक्सुअल भी बताया कि दोनों सेक्स ऑर्गन। देखो बेटा यहां पर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं,
जब एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस। और बाइसेक्सुअल मैंने क्या बताया, जब एक फ्लावर में, प्लांट का पार्ट है फ्लावर, तो जब फ्लावर में होगा तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है डाइशियस, यानी व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट देन इट इज कॉल्ड डाइशियस। और इसका एग्जाम्पल बेटा है डेट पाम है और पपाया, ठीक है, डेट पाम है एंड पपाया, डेट पाम एंड पपाया, ये इसके दो एग्जाम्पल। अच्छा, जो मोनोइशियस प्लांट्स होता है, देखो ये मोनोइशियस प्लांट है, ये मान लीजिए इसमें मेल पार्ट है, ठीक, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल है, मान लीजिए ये फीमेल है, तो क्योंकि इस प्लांट में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा है, हम इसे क्या कह रहे हैं, मोनोइशियस, और ये मान लीजिए डाइशियस है। तो डाइशियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन के दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों डाइशियस हो गए, और मैंने उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया बेटा, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम्पल जो है। ठीक है, तो ये मोनोइशियस है और ये डाइशियस। मोनोइशियस जो होता है बेटा, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो मोनोइशियस प्लांट होता है उसमें ऑटोगैमी नहीं पाई जाएगी, और बात सही है। तुम ये देखो, ये तुम्हारा मोनोइशियस प्लांट है, बताओ इसमें ऑटोगैमी कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं ऑटोगैमी। लेकिन अगर आप इसमें देखिए, इसमें जीटोनोगैमी हो जाएगी। ओके, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बट जीटनोगैमी इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। ओके, इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट डाइशियस में, अब आप ये डाइशियस को देखिए, डाइशियस में आप देख के कहेंगे कि ना इसमें ऑटोगैमी हो सकती है और ना जीटनोगैमी हो सकती है। ये बेटा मैंने टर्म इसलिए समझा दिया है आप लोगों को क्योंकि अजर्शन रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये जो लाइन है इसके बेसिस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने इसको, इस लाइन को, दोनों को आपको समझाया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है What are the contrivances or adaptations for self-pollination या और ऑटोगैमी? अगर कभी आपसे प्योर सेल्फ पॉलिनेशन पूछा जाए तो ऑटोगैमी होगा। ठीक है, सो what are the contrivances या adaptation for self-pollination? देखो बेटा, contrivances या adaptation का मतलब यह है कि देखिए, फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, फ्लावर के अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर फ्लावर, आप खुद बताइए, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या उसमें चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के। या दूसरी चीज होमोगैमी, या फ्लावर आप बहुत करीब रखा हुआ है
एक दूसरे के बहुत पोजीशन करीब है और दोनों मेच्योरिटी भी साथ में हो रही है, तो क्या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो फ्लावर्स क्या करते हैं, नेचर ने क्या कर रखा है कि फ्लावर्स के अंदर इस तरह की कंडीशन पैदा कर रखी है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रीवेंसेस या अडॉप्टेशन, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहली चांस है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, वो है बेटा आपका बाइसेक्सुअल या मोनोक्लाइन। मोनोक्लाइनी हम बाइसेक्सुअल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, सेम है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। जब फ्लावर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो मोनोक्लाइनी कहते हैं। बाइसेक्सुअल, जाहिर सी बात है फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है यानी दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर में है, तो इसके चांसेस क्या होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के बढ़ जाएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं ये एक बार भी नहीं कहा हूं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ना, ये नहीं कहा हूं। मैंने क्या कहा, चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, होमोगैमी। होमोगैमी, होमोगैमी मतलब व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, जब एक ही टाइम पे बेटा मेच्योर करते हैं तो उसे हम लोग होमोगैमी कहते हैं। और मैंने अभी आपको जो इससे पहले एग्जांपल दिया था, बताया था 9 बजे पॉलन ग्रेन मेच्योर हो रहा है, 6 बजे फीमेल गैमेट, तो उससे आपको समझ में आ गई ये होमोगैमी वाली बात। थर्ड है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर या इस कंडीशन को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। देखो ऐसा फ्लावर जो हमेशा बंद रहता है, यानी वो हमेशा, आपने अभी देखा हो कि जब कली होती है बर्ड के फॉर्म में होता है तो वैसे बंद होता है, लेकिन वो बर्ड जब फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो वो इस तरीके से खुल जाता है, फ्लावर ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो फ्लावर ऐसा होता है ये हमेशा ऐसे बंद रहता है। अब आप बताइए, जब फ्लावर हमेशा बंद है तो क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या कहीं और से पॉलन ग्रेन आने के कोई चांसेस है? नहीं है। तो उस तरह के फ्लावर्स को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं और कंडीशन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, जिनमें फ्लावर कभी हमेशा बंद रहता है और कभी खुलता नहीं। अच्छा, इसके अपोजिट क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लावर जो हम लोग देखते हैं जो बर्ड से फिर ओपन होते हैं, जब वो फ्लावर बनते हैं तो ओपन हो जाते हैं, उसे हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो यहां पर इसके बारे में भी हम लोग एक बात पढ़ते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर मतलब क्या मैंने कहा बेटा, फ्लावर इन विच पॉलिनेशन अकर इन ओपन कंडीशन। इसका मतलब ये फ्लावर ऐसे ओपन होता है। और दो तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, वियोला है, कोमेलिना है, ऑक्सेलिस है, ये जो तीन एग्जाम्पल हैं बेटा, ये इन तीन एग्जाम्पल में, ये जो तीन एग्जाम्पल है वियोला, कोमेलिना, ऑक्सेलिस, इन तीनों में दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। बेटा सो ये जो वियोला, कोमेलिना, ऑक्सेलिस जो है, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको कोमेलिना का एक डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है तो हो सकता है कि इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। इसकी पोजीशन आप बस पता हो, ये मैं कोमेलिना का डायग्राम बना रहा हूं,
ये लीफ मैंने दिखाई इसकी, और इसमें बेटा ये मैं इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फ्लावर दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैं इस तरीके से ऐसे फ्लावर दिखाता हूँ, और नीचे की तरफ यहां मैं ऐसे फ्लावर दिखा रहा हूं ऐसे। ये बेटा ये रूट पोर्शन है, ये देखिए, ये मैंने रूट पोर्शन दिखाया और ये मैंने ऊपर शूट पोर्शन दिखाया। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ये बेटा आपके कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ यानी अबव द सॉइल होंगे वो कैस्मो, ये बात याद रखिएगा, ये मैं इसीलिए डायग्राम बना दे रहा हूं, ये बहुत रफ सा मैंने डायग्राम बनाया है, लेकिन इसलिए ताकि आपको ये बात याद रहे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा मेडिकल में, क्योंकि बायो के केस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको उसकी लाइन बाय लाइन और उसके एक एक डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसलिए मैं ये बना दे रहा हूं। और ये जो नीचे की तरफ होता है यानी रूट में, वो होता है क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ऊपर की तरफ कैस्मोगैमस होता है और नीचे की तरफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर है तो उसमें ये चांस 100% कंफर्म है, अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो ये कंफर्म है कि वो कैसा होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी इन नेचर, ओके, इसमें ये कंफर्म है कि ये ऑटोगैमी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ओके स्टूडेंट्स। सो क्या पॉइंट मैंने बताया, पहला ये कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो कंफर्म है कि कैसा होगा, ऑटोगैमी इन नेचर है। और दूसरा क्या है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें सीड फॉर्मेशन कंफर्म होता है, और चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट हो चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, जब फ्लावर बंद है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की क्या जरूरत है, इंसेक्ट की, एयर की, वाटर की, या किसी तरह की एनिमल की क्या जरूरत है। तो कन्फर्म यह है कि अगर कोई क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो उसमें सीड का फॉर्मेशन जरूर होगा, चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट हो चाहे ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन है इसमें कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैम, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो एक एडवांटेज जो अभी मैंने आपको बताया है, कंफर्म सीड फॉर्मेशन, एक तो बेटा ये हो गया कि सीड फॉर्मेशन कंफर्म है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये अपने आप को प्रोपगेट कर सकता है। यानी प्रोपगेट मतलब क्या होता है, अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ा सकता है, अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बढ़ा सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये अपने रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये इसका फायदा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है, और बहुत जबरदस्त डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज क्या है बेटा, एक है लेकिन बहुत ज्यादा है। देखिए रेगुलर बेटा जब कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो
इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या मतलब होता है, देखिए आपने ये बात सेल डिवीजन में पढ़ रखी है, जब मियोसिस होती है तो वेरिएशन होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है, यानी नई तरह की जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है। लेकिन ये इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी है। जब रेगुलर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है, मतलब यह है कि उनमें जो वेरिएशन होता है वो कम होने लगता है, और जिसकी वजह से जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ओपन तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन अकर। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा क्या होता है, लॉस इन वेरिएशन। इसे हम इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ओके okay? जब हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग इसे डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि जब सेल्फ पॉलिनेशन रेगुलर होता है तो वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन जब नहीं आएगा तो क्या है उसे, उस कंडीशन को हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अकर इनब्रीडिंग डिप्रेशन अकर मीन्स लॉस ऑफ लॉस इन वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब रेगुलर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट टाइप का पॉलिनेशन है। मैंने पहला आपको सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी बताया, दूसरा जो है बेटा वो भी आपका जीटनोगैमी है, वो भी पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन का। अब थर्ड पे चलते हैं विच इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है, या एलोगैमी। ओके स्टूडेंट्स, या एलोगैमी। अच्छा ये क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब ट्रांसफर होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का, और एक ही स्पीसीज में होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा क्या है, सबसे फायदा यह है कि इसकी वजह से वेरिएशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, जो अभी मैंने इससे पहले आपको जहां पर ऑटोगैमी जीटनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन समझाया था, जो डायग्राम मैंने आप लोग बनाया था उसे फिर से आप लोग देखिए, पेज पलट के फिर से उसे देखिए, और देखिए मैंने यही बात जो वहां पर समझाई थी इसे मैंने यहां पर लिख दिया। लेकिन क्या होगा, जाहिर सी बात है जब पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह गया, यहां से पॉलन ग्रेन अगर यहां जा रहा है तो क्या ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता ना भाई, कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंसेक्ट्स हो और चाहे एनिमल, किसी ना किसी एजेंट की हमें जरूरत पड़ेगी जो ट्रांसफर कर सके। इट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, वेरिएशन होगा। जाहिर सी बात है, वेरिएशन तो जब एक अलग प्लांट से दूसरे अलग प्लांट में, एक प्लांट मतलब एक सेब के प्लांट से दूसरे सेब के प्लांट में जब पॉलन ग्रेन जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे और जेनेटिकली डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन भी होगा। क्रॉस पॉलिनेशन अकेला ऐसा पॉलिनेशन होता है, मैंने तीन टाइम्स में, जिसमें वेरिएशन पाया जाता है। अगर कभी ऐसे पूछ दिया जाए, ऑप्शन चार ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन दे दिया, पूछ दिया जाए कि इनमें से किस पॉलिनेशन में वेरिएशन के चांस है, तो वो कौन सा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, नेक्स्ट थिंग क्या है, कॉन्ट्रीवेंसेस या एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस या एडाप्टेशन मैंने अभी आपको सेल्फ पॉलिनेशन केस में समझा दिया था कि प्लांट की वो फीचर्स जिसकी वजह से उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कॉन्ट्रीवेंसेस या एडाप्टेशन कहते हैं। अच्छा तुम बताओ, अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी फ्लावर पे या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल है, अब बताइए आप क्या उसमें बाइसेक्सुअल के चांस होंगे? नहीं होंगे। यहां पर भी मैं यही बात कह रहा हूं कि इनसे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के, या इसे हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? द फीचर्स या डिवाइसेस ऑफ प्लांट, प्लांट के वो फीचर्स जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज होता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इनकरेज होता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल दिया कि अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं? आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। ठीक है, अब ये हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं या फीचर्स होते हैं। पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी पहले मैं एक दो पॉइंट लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको मैं डिटेल में समझाता हूं।
देखो देखिए बेटा, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, बात समझ। ये मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आप कहेंगे सर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के, नहीं, एक कंडीशन होती है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। अब इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर ये पॉलन ग्रेन अगर इस पे जाता है लेकिन उसके बाद भी जो पॉलन ग्रेन है वो अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इस कंडीशन को हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी कहते हैं। यानी वो आया तो, लेकिन वो जब फीमेल पार्ट पे आएगा, ये फीमेल पार्ट है, जब वहां से मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे आएगा तो होता क्या है कि यहां पर बेटा जब पॉलन ग्रेन जब ये पिस्टिल पे यानी स्टिग्मा पर आता है तो इन दोनों के बीच में एक तरह का डायलॉग होता, समझ में आया, एक तरह की बातचीत होती है, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, एक तरह का डायलॉग होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, लेकिन होता, और उसे हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन सफल हुआ तो क्या होगा, यहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर उन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं बन पाया, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का ताल्लुक नहीं बन पाया, रिलेशनशिप नहीं बन पाई, तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी कहते हैं, अपने ही पॉलन ग्रेन पे जर्मिनेट ना कर पाए। क्यों होता है, ये एक तरह का जेनेटिक बैरियर होता है। असल में बेटा होता क्या है कि प्लांट में तरीका क्या होता है कि जब ये पॉलन ग्रेन यहां पर आता है ना, तो यहां पर जीन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन में भी जीन्स होते हैं और स्टिग्मा पर भी जीन्स होते हैं, और अगर ये दोनों जीन्स सेम तरह के होंगे, जीन्स सेम तरह के होंगे, तब तो वो जर्मिनेट कर पाएगा, लेकिन अगर सेम तरह के नहीं होंगे, जीन्स अलग अलग तरह के होते हैं, अगर डिफरेंट हुए तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है ये एक तरह का जेनेटिक बैरियर होता है, ये जीन्स का बैरियर होता है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती। समझ में आ गया, ये सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी होता है। ये ऐसे ही समझे आप लोग, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है, मेरी अपनी किडनी के लिए क्या होता है, मेरी अपनी बॉडी जो, आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या बनाती है, ऐसे समझो इसको, एंटीबॉडीज बनाती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, है ना, थोड़ा मोड़ा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एंटीजन एंटीबॉडी, जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th में आप लोगों ने, एंटीबॉडी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के खिलाफ ये बनता है। अब आप लोग ये बताइए, मेरी अपनी किडनी है, क्या मेरी अपनी किडनी के खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, नहीं बना रही है, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ को, ये मेरी अपनी चीज है, यानी एंटीबॉडी जो है वो जानती है कि ये जो किडनी है ये मेरी अपनी चीज है, इसीलिए उसके खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं बनाती है। लेकिन आपको ये बात पता है कि जब ग्राफ्टिंग होती है यानी ट्रांसप्लांटेशन होता है, अगर किसी की किडनी, खुदा खासता किसी की किडनी खराब हो जाए और वो किसी दूसरे की किडनी ले तो क्या होगा, क्या इतनी आसानी से किडनी ले लेता है, आपको पता ऐसा नहीं होता है, उसमें काफी ट्रांसप्लांटेशन में काफी चीजें चेक की जाती हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो जो हमने ग्राफ्टेड, जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि उसे सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क पता होगा, उसे ये बात पता होती है कि भाई है तो दोनों ही किडनी का फंक्शन सेम होगा, दोनों ही किडनी के स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे, लेकिन क्या फर्क हो जाता है, मेरी जो एंटीबॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क जानती है कि ये मेरा अपना है और ये मेरा अपना नहीं है। सेम चीज यहां पर भी होता है, यहां पर भी यही चीज होती है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लाइन, यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लाइन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सही बात है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, उसे बायोलॉजिकल टर्म में या फ्लावर के टर्म में हम लोग उसे डिक्लाइन करते हैं। थर्ड है डिकोकैम, थर्ड है डिकोकैम। डिकोगैमी क्या होता है, याद करो, होमोगैमी मैंने आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ाया था कि जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक टाइम में मेच्योर होते हैं, और डिकोगैमी क्या होता है, अलग अलग टाइम पे। When both the sex organ mature at the different time, okay? So वो डिकोगैमी होता है। अब डिकोगैमी बेटा दो तरह का हो सकता है, प्रोटोगाइनी या गाइनस कंडीशन, और दूसरा है प्रोटो एंड्रस कंडीशन। यानी when female reproductive organ mature earlier than female, earlier than male sex organ, जब female sex organ पहले mature हो जाती है male sex organ के, उस condition को हम लोग protogynous कहते हैं। Protoandrous क्या होता है, फीमेल सेक्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डिकोगैमी, ये हो गया डिकोगैमी, ठीक है बेटा। तो ये डिकोगैमी में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मेच्योर हो सकती है पहले मेल ऑर्गन के, उसे प्रोटोगाइनस, और जब मेल ऑर्गन पहले मेच्योर होगा तो उसे हम लोग प्रोटो एंड्रस कंडीशन कहेंगे। अब नेक्स्ट है मैं इसे रब कर दे रहा हूं, नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ है हर्कोगैमी। बेटा मैंने इसे आर बनाया है, और नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइल, हेट्रो, ठीक है बेटा, हेट्रोस्टाइली। हर्कोगैमी क्या होता है, मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि इन सम बाइसेक्शुअल हर्कोगैमी में, बाइसेक्शुअल के केस में द स्ट्रक्चर कार्पल का और स्टैमिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि बाइसेक्शुअल तो होता है
लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बाद भी उनमें कुछ एक तरह का बैरियर होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, अगर ये मैं एक डायग्राम अगर इस तरीके से बनाऊं आप लोगों को, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपको पता है, इस तरीके से सॉरी ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मान लीजिए अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर जाए, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर जाए, तो क्या आप बताइए पॉलन ग्रेन यहां से यहां जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के बैरियर्स की वजह से बाइसेक्सुअल होने के बाद भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी ना हो पाए, उसे हम लोग हर्कोगैमी कहते हैं, यानी मैकेनिकल बैरियर पाया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस में, एक एग्जाम्पल और है कैलोट्रोपिस में, एग्जाम्पल है बेटा कैलोट्रोपिस में। याद करिए आप लोग, मैंने सेकेंड वीडियो में एक चीज बताई थी पॉलिनियम, कैलोट्रोपिस में एक चीज होती है पॉलिनियम, पॉलिनियम, पॉलिनियम याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये इस तरह का स्ट्रक्चरल बैग होता है ऐसे, इसमें पॉलन ग्रेन्स सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनियम। और ये एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को अटैच करता है, उसे कॉर्पस्कुलम कहते हैं। ठीक है, ये कैलोट्रोपिस और पॉलिनियम, सेकंड वीडियो के लास्ट में जाके देखिए आप लोग, मैंने पॉलिनियम समझाया बेटा वहां पे कि जो पॉलन ग्रेन ऑफ पॉलन सैक इज यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है सारा एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनियम। ठीक है बेटा, इसे हम लोग पॉलिनियम कहते हैं। अब ये जब पॉलिनियम बन जाता है ना, तब इस ये पॉलिनियम का कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि ये काफी वेट हो जाता है, ये पॉलिनियम का कभी कोई चांस ही नहीं है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कभी भी फीमेल पे जा ही नहीं सकते। अब जब फीमेल पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये इंसेक्ट के जरिए से ये इनका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आपने देखा फ्लावर है बाइसेक्सुअल, अगर कैलोट्रोपिस के केस में देखो फ्लावर है बाइसेक्सुअल, लेकिन उसके बाद भी एक इस तरह के कुछ मैकेनिकल बैरियर्स है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देके भी तुम लोग को ये जो डायग्राम समझाया था, और ये दूसरा देखो, इस बैरियर होने के बाद मैकेनिकल बैरियर होने की वजह से उनमें क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसे हम लोग कहते हैं हर्कोगैमी बेटा। ये दोनों जो मैंने अभी आपको बता रहा हूं, ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के और कॉम्पिटिशन के लिए। बोर्ड में इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, एक नंबर में हर्कोगैमी और हेट्रोस्टाइली पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि आखिर किस तरीके से जो हर्कोगैमी है या हेट्रोस्टाइली जो है वो सेल क्रॉस पॉलिनेशन को इनहेंस करती है, तो ये भी पूछा जाता है। हेट्रोस्टाइली इससे थोड़ा सा डिफरेंस होती है, अभी मैं पहले लिख दूं, क्या है हेट्रोस्टाइली में क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग जानिए। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि जो फिलामेंट, ये फिलामेंट है, इसकी लेंथ और ये जो स्टाइल है इसकी लेंथ बहुत मायने रखती है हेट्रोस्टाइली में।
अब अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन दोनों की लेंथ यानी फिलामेंट की लेंथ और स्टाइल की लेंथ अलग अलग हो जाए, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल बैरियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर बैरियर की वजह से क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो क्या ये आप कहेंगे ये क्या है, ये है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके अलावा फिर कार्पेल और ये कोरोला और कैलिक्स भी होगा, तो अब क्या बताइए ये जो पॉलन ग्रेन है यहां पर क्या यहां पे स्टिग्मा पे जा पाएगा, नहीं। तो अगर लेंथ का डिफरेंस हो, और ये दोनों का हो सकता है, हो सकता है केस ये भी हो सकता है, यहां पर मैंने क्या दिखाया है कि जो फिलामेंट का, ये जो फिलामेंट है उसकी लेंथ कम दिखाई है और स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा दिखाई है, तो इस केस में हेट्रोस्टाइल ही है, यानी क्रॉस सेल पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी जिसमें फिलामेंट, ये देखिए, ये मान लीजिए कंडीशन ऐसी कर लूं मैं, ऐसे ऐसे बना दूं कि फिलामेंट की हाइट बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी लेंथ ऑफ स्टाइल, उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, और वहां पर भी क्या पॉसिबल होगा बेटा, वहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होगा, सेल्फ के पॉसिबिलिटी, ऑटोगैमी की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये है हेट्रोस्टाइल। तो बहुत क्लियर जानिए आप लोग, ये काफी डिफरेंस होता है बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है तो हार्पोगैमी और हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि लेंथ अलग होती है मेल प्रोडक्ट यानी फिलामेंट की और स्टाइल की, लेकिन ऐसा कुछ हार्पोगैमी में नहीं होता है, वहां पर फिलामेंट का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पर मैकेनिकल बैरियर होता है, यहां पर मैकेनिकल बैरियर जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में यह बात पढ़ी कि पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन, सेल्फ, ऑटोगैमी, जीटनो, क्रॉस पॉलिनेशन, और उनके क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड के स्टूडेंट्स ये जरूर पूछा जाता है, बहुत चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, या व्हाट आर दी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी इंसेक्ट्स भी इन्वॉल्व होता है, वाटर भी है, एयर भी है, एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे डिस्कस करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।